जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, टुडे डे इज़ ट्यूसडे एंड डेट इज़ 9th June 2020। क्लास वर्क नंबर है हमारा आज का 8। होमवर्क आप करेंगे एक्सरसाइज सॉरी एग्जांपल नंबर 2+3 पेज नंबर 70 पर। ठीक है, पेज नंबर 70 पर आपको एग्जांपल नंबर 2 एंड 3 जो है वो आपने होमवर्क में करनी है। एक्सरसाइज 6.1 हमने कल स्टार्ट की थी, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिए थे, अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इनटू रेशियो एंड रिड्यूस इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको आपने रेशियो में कन्वर्ट करना है और उसके बाद इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रुपीज़ 100 एंड रुपीज़ 250 लिखेंगे हम, दोनों रुपीज़ हैं, इसके बीच में हमने रेशियो निकालनी है। फर्स्ट पेमेंट हमारे पास क्या है 100 एंड सेकंड पेमेंट हमारे पास क्या है 250। अब इसमें हम सेम हमारे पास HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें 50 पर ये दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो सकती हैं, तो हम डिवाइड करेंगे 50 से। ठीक है, 00 से कैंसिल, 5 1s are 5, 5 2s are 50 एंड 00 से कैंसिल, 5 1s are 5, 5 5s are 25। 2 and 5, 2 ratio 5 जो है मजीद किसी पर किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे। 2 ratio 5 जो है वो क्या है, आंसर है, ये आंसर है हमारे पास। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसी का, 2 kg and 800 grams। ठीक है, फर्स्टली हम क्या करेंगे, 8 kg को हमने ग्राम्स में चेंज करना है, सॉल्व करेंगे। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ पर क्या है, 2 kg है, तो इसमें ग्राम्स कितने होंगे, 2000। ठीक है, ग्राम्स के बीच में हमने रेशियो लेनी है, तो हमारे पास कितनी है, 2000 ratio 800। ठीक है, यहाँ पर 2 kg था, तो ये 2000 हो जाएगा और 800 हमारे पास ये है। अब इसके अंदर हमारे पास HCF क्या है, जो सबसे बड़ी वैल्यू इन दोनों में हमारे पास आती है, बाय डिवाइडिंग HCF 400 से हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 2000/400 ratio 800/400। ठीक है, 400 5s are 2000 and 400 2s are 800, तो 5 ratio 2 मजीद आगे डिवाइड नहीं हो सकती, तो यही आंसर है। इसी तरह से इसके 6 पार्ट हैं और आपने ये 6 पार्ट इसी मेथड के साथ कर लेने हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 इसी एक्सरसाइज का है, इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 12:120 इज टू मीन हमने इसको सिंपली रेशियो में चेंज करने के बाद, जैसे कि हमने ऊपर किया था, रेशियो में चेंज करेंगे और सेम वैल्यू से इसको डिवाइड करेंगे जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, सिंपलीफाई करना है, 12:120 सॉल्व 12:120 बाई डिवाइडिंग 12, HCF इन दोनों में क्या है, 12 है, 12 इस टेबल इसको भी काट सकता है और 12 इस 120 को भी काट सकता है। 12 से कैंसिल एंड 12 10s are 120, 1 and 10 मज़ीद किसी टेबल पर नहीं कट हो सकते, तो ये क्या हो जाएगा, यही आंसर है। एक्सरसाइज 6.2, अब हमारे पास एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 and 5 मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, इसके मज़ीद क्वेश्चंस आपको नोट्स में मिल जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के, ये देखें। ठीक है, इसी तरह से ये आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, 25:50 है एंड इसको आपने रेशियो में चेंज करना है, 25 and 50 को 25 से डिवाइड करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 1:2। ठीक है, इसके ये सारे क्वेश्चन आपने यहाँ से कर लेने हैं। अच्छा, अब हम एक्सरसाइज 6.1 हमारे पास ख़त्म हो गई है, एक्सरसाइज 6.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, सिंपल वैल्यू आपको दी गई हैं, इसमें आपने पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे,
और डिवीजन माइनस जो भी होगा क्वेश्चन के मुताबिक हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है। लेकिन फर्स्टली यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज़ होगा, ठीक है, पी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, पी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2/5 इज इक्वल टू पी ओवर 20 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, इनको आपस में क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर देंगे, पी को 5 के साथ एंड 2 को 20 के साथ, ठीक है। तो ये इसी तरह से हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 20 एंड पी मल्टीप्लाई बाई 5, 22 are 40 एंड 5p हो जाएगा। अब हमने p के साथ जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको ख़त्म करना है, तो अब हमारे पास p क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम बोथ साइड p को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 40/5 इज इक्वल टू 5/5, 5 ones are 5, 5 8s are 40 एंड 5 ones are 5, 5 ones are 5। अब यहाँ पर p के साथ कोई वैल्यू नहीं है, ये ख़त्म हो चुकी हैं, यहाँ से 8 आ जाएगा और p एज इट इज़ आ जाएगा, p इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू p हमारे पास ऊपर से आया, तो हम इसको ऑपोजिट करके भी लिख सकते हैं, जो कि इसका आंसर सही बनेगा, p इज इक्वल टू 8, ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है। इसी का दूसरा क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, p ओवर 5 इज इक्वल टू 3/10, सॉल्व करेंगे, p ओवर 5 इज इक्वल टू 3/10, इसकी भी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 p 10 के साथ एंड 5 3 के साथ, p मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 10p इज इक्वल टू 3 5s are 15। अब p की वैल्यू को हमने अकेला करना है, p को अकेला करना है, p के साथ जो भी वैल्यू है हमने उसको दूसरी साइड पर लेकर जाना है, तो p के साथ 10 है तो हम 10 को क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 से कैंसिल हो जाएगा एंड 15/10 हो जाएगा, इसको हम 3 के टेबल पे कट करेंगे, सॉरी 5 के टेबल पे कट करेंगे, 5 2s are 10 एंड 5 3s are 15, अब ये 3/2 आ जाएगा, p इज इक्वल टू 3/2। अब इसको हमने मतलब पॉइंट्स में भी हम लिख सकते हैं, कटिंग करके p इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। इसी तरह से आप इसका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है, पॉइंट्स में है ये 1.01/0.5 इज इक्वल टू 6/p। यहाँ पे भी इसी तरह से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, p इज इक्वल टू 24, ये हमारा आंसर है।